फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो करी, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो करी बनाने के लिए यहाँ पे हम प्रेशर कुकर लेंगे और गैस ऑन कर दिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप जो तेल खाते हो आप उसमें बना सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्ची ली है, इसको मैंने काट लिया है। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है, इसे दरदरा कूट लिया है। 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे ग्रेट कर लिया है, और 1 मीडियम साइज का प्याज है जिसे बारीक काट लिया है। इनको हम सब डाल देंगे इसमें। और सभी को अच्छे से मिलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम को हम फुल से कर लेंगे और सब चलाते रहेंगे। ये देखिए प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। तब यहाँ पे हम 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है चौकोर साइज में, और इसको भी हम डाल देंगे इसमें। आलू का ऐसे भूनने से थोड़ा आलू में अच्छा बहुत टेस्ट आता है, और इसको 1 मिनट के लिए हम आलू को इसमें भूनेंगे। ये स्टेप ज़रूर करिएगा, इससे पोटैटो करी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू का ऐसे भून लें जीरे की। हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ इस फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है और इसे चलाते हुए ऐसे भूनेंगे। ये देखिए आलू को भी हमने अच्छे से भून लिया है, आलू में देखिए कलर का चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे, तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। हमेशा याद रखें मसाले ऐड करते वक्त फ्लेम को लो कर देंगे। और यहाँ पे हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसको भी मिलाएंगे अच्छे से और भुनेंगे 30 सेकंड के लिए। ध्यान है मसाले जले नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमने कोई लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया इसमें कलर के लिए। आप मसाले अगर ऐसे डालेंगे तो कलर अपने आप आ जाएगा। और थोड़ा सा भुने 30 सेकंड के लिए। अच्छे से मिल गया है। अब यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, ये देसी टमाटर है तो देखिए कितना रसीला है, आप देख सकते हैं। तो ये इस्तेमाल करें, हाइब्रिड वाला टमाटर इस्तेमाल ना करें, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसको हम मिला देंगे इसमें और साथ में ही हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। और इसको अच्छे से भुनेंगे, सभी को मिला देंगे अच्छे से। अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं अगर सूखा लगे तो। मैंने यहाँ टमाटर देखा था आपको, देख कितना रसीला था, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसे लो फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर गल जाए हमारे अच्छे से। ढक्कन से ऐसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से। 2 मिनट हो गए, हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर गले गए, सभी अच्छे से मिला देंगे और करछी से ऐसे दबा देंगे थोड़ा, तो टमाटर देखिए गल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए
अब जब एक चमक सी आ जाए सब्जी में, तो समझिए अच्छे से मसाले और टमाटर से अच्छे से भुन गया है। ये टमाटर भी हमारे गल गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम कर लेंगे और सभी को अच्छे से मिलाएंगे। ऐसे कच्ची से ऐसे दबा देंगे तो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, मिल जाएंगे। ये देखें, ये देखिए कड़छी से ऐसे दबा के आप आलू भी चेक कर सकते हैं कितना पक गया है, क्योंकि हमने अच्छे से भुना है इसको। तो 10% ऐसे पक जाता है, तो 70% कुक करना आपको, तो उसी हिसाब से आप इसमें हम सीटी लगा लेंगे। तो मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, देखिए तेल भी ऊपर आ गया है, एकदम अच्छे से चमक आ गई। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। ध्यान है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी नहीं जलता है इसमें। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। दो सीटी हो गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसका गैस निकाल देंगे। अब इसे हम खोल लेते हैं। ये देखिए सब्जी अच्छे से पक गई है हमारी। ऐसे हम थोड़ा सा कड़छी से दबा देंगे। अगर आपको आलू खड़े लग रहे हैं तो इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। ये देखिए हमारे पटेटो करी तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आज की रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।